नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और मैं आज ये वीडियो जो लेकर आया हूँ उसका जो सहार है वो है एपिडिमाइटिस की प्रॉब्लम। क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल से बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, चैनल पे कमेंट्स आते हैं कि ये होता क्या है एपिडिमाइटिस और ऑर्काइटिस क्या होता है। क्योंकि बेसिकली ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो आपके टेस्टिस को पेन दे सकता है और आपके पेल्विक पोर्शन पे, एब्डोमिनल पोर्शन पे पेन बनाए रख सकता है और आपकी जो सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट है उसमें पसल्स बढ़ा कर दिखा सकता है। और इसके साथ साथ आपको अनईजी, डिस्कम्फर्ट, स्वेलिंग, ये सारी चीज़ें आपको दे सकता है। क्योंकि बहुत से जो मैं अपने कमेंट्स पढ़ता हूँ उन कमेंट्स में मैं सुना या लोगों ने मुझसे पूछा कि इसका कोई इलाज है एपिडिमाइटिस का, तो मैं शायद इसी वीडियो में आपको इसका आंसर भी दे दूँ। इसका इलाज बिल्कुल है और ये इलाज बेसिकली आपको आगे चल के वीडियो में बता दूँगा कैसे आप ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है हम जानते हैं ये होता क्या है एपिडिमाइटिस। एपिडिमाइटिस का वर्ड जो निकला हुआ है वो निकला हुआ है एपिडिमस में से। वो बेसिकली कोड होती है जो आपके स्पर्म को कैरी भी करती है, स्टोर भी करती है और ट्रांसपोर्ट भी करती है। जब हम संभोग करते हैं, इरेक्टाइल होता है, तो वहाँ से वो उसको पुश भी मिलता है, जिसकी वजह से जब हम सीमन अपना निकालते हैं उसके साथ साथ स्पर्म भी आता है। तो वहाँ पर ये वाली कोड काम बहुत करती है, जिसको हमें कहते हैं कि अगर एपिडिमस में कोड के अंदर अगर स्वेलिंग हो जाए तो वो आपके स्पर्म काउंट पे असर डाल सकती है। तो ये वहीं की प्रॉब्लम है। एपिडिमस के कोड के अंदर अगर इन्फेक्शन है या कुछ तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ पर आपकी जो एपिडिमस कोड होती है वो स्वेल्ड हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो आपको एक अनईजीनेस दे सकती है। और वो उसके साथ साथ जो स्टार्ट होता है, सबसे पहले स्टार्ट होता है कि आपके टेस्टिस में, माने कि जो अंडकोश है, अंडकोश में पेन बना रहेगा और उसके साथ साथ जो आपका स्कॉटम है, जो अंडकोश की थैली है, उसको लाल रंग का हो जाएगा और वहाँ पर स्वेलिंग दिखेगी, मोटा सा हो जाएगा, वो स्वेलिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से आप बहुत अनईजी फील करेंगे, डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। और किसी किसी केसेस में देखा जाता है एपिडिमाइटिस की वजह से फीवर तक हो जाता है। ज़्यादा रेयर केसेस होते हैं कि जिनको फीवर हो जाता है, बट वो बॉडी की अपनी प्रोटेक्शन लेवल होता है, क्योंकि बॉडी में कुछ भी अलग से इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कैसा भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, वो उसको अपने से ही प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी से ही उसको मारने की कोशिश करती है। और इसके साथ ये आपको हुआ कैसे, पीछे का कारण क्या था? देखो, ये शायद आपको बेसिकली ये ज़्यादातर देखा जाता है तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में काउंट किया जाता है। ये यूरिनरी ट्रैक से आपको इन्फेक्शन पहुंच जाता है, या यूरिनरी ट्रैक नहीं कह सकते तो यूरिनरी से पहुंच के आपके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। और इसके साथ साथ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, अगर आपका पार्टनर इसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ग्रसित है और आपने इंटरकोर्स किया, उस दौरान ये इन्फेक्शन आपके अंदर भी आ गया और उसने अपना घर बना लिया एपिडिमस कोड के अंदर, और उस इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ पेशेंट्स के अंदर ओलिगोस्पर्मिया आ रहा है कॉज ऑफ एपिडिमाइटिस की वजह से या ऑर्काइटिस की वजह से। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और इसके साथ आप इसे बचे कैसे? सबसे पहली चीज़, आप ज़्यादातर अपना सेक्सुअल जो संबंध है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से कॉन्डम यूज़ करके बना सकते हैं, जिसकी वजह से ये दिक्कत नहीं आएगी, जिसमें हम कहते हैं प्रोटेक्शन ले लीजिए। या जब आप अनहाइजीनिक होते हैं उसकी वजह से ये आपको इन्फेक्शन हो सकता है, तो हमेशा अपने अंडरगारमेंट्स को चेंज करना चाहिए, रोज़ डेली चेंज करना चाहिए, और कॉटन के अंडरगारमेंट्स यूज़ कीजिए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपको लगे ना। और इसके साथ साथ अपने जेनेटिकल्स को क्लीन अप सही से रखें, उसको थोड़ा वॉश वगैरह करते रहें। और ये तो रही बात, ये आपको आया कहाँ से, और इसके बाद जो मैं बात बताने जा रहा हूँ कि आप इसे कैसे ठीक रह सकते हैं। अगर आपको ऐसी चीज़ लगती है अपने स्कॉटम में रेडनेस, इन्फ्लेमेशन, या टेस्टिस में पेन, या पेल्विक पोर्शन में पेन, तो एक बार ही अपने फिजिशियन से मिलिए और इस बात को डिस्कस कीजिए। और इसके साथ जो आपको चलानी है वो कोई भी एंटीबायोटिक जो आपके फिजिशियन रिकमेंड करे उसको ले लीजिए। एंटीबायोटिक आप उसमें आराम से इंटेक कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बॉडी एक इंडिविजुअल एंटीबायोटिक को अलग तरीके से देखती है। इस वजह से अपने फिजिशियन से मिलिए और बोलिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आराम से ठीक हो सकती है।
एपिडिमाइटिस का कोर्स चलता है, उस कोर्स में आप आराम से हफ्ते दो हफ्ते में ठीक हो सकते हैं, या आपको पेन जो है, स्वेलिंग जो है, वो ठीक हो सकती है। मैं हमेशा आयुर्वेद की बात करता हूँ, बट इस एपिडिमाइटिस या ऑर्काइटिस में हमेशा हम भी रिकमेंड करते हैं कि आप एंटीबायोटिक लीजिए। एंटीबायोटिक आपको जल्दी रिलीफ दे देती है। दैट्स वाई अगर आप कहीं अपने इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो अपने फिजिशियन से मिलकर अपने बात को डिस्कस करके, अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करके उनसे राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। और अगर आप इसके साथ साथ वेरिकोसील के साथ जूझ रहे हैं, या आपको ओलिगोस्पर्मिया हो रहा है, या आपका स्पर्मेटाजोआ सेल दिख तो रहा है बट आपके स्पर्म काउंट नहीं दिख रहे हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर अपनी जो भी रिपोर्ट्स है उसको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चाहे अल्ट्रासाउंड स्कॉटम हो, चाहे आपकी सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट हो, चाहे आपने वेरिकोसील का ट्रीटमेंट करवाया हो, चाहे आपने बायोप्सी करवाई हो, जैसी भी रिपोर्ट्स हैं आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमसे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। और अपनी किसी भी प्रॉब्लम से, जो आपके सेक्स संबंधित कैसी भी प्रॉब्लम है, हमसे जान सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपना एक उसका राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।